हेलो एवरीवन, वेट कर लेते हैं। से मत देखिए, फिर देख लेंगे। हेलो एवरीवन, मैं अल्पना रंजन बड़ौदा से, और मैं एक बार फिर से आई हूँ अमूल के पेज पर, लाइव आई हूँ। और मैं दीपा जी को थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने यहाँ आने का मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं, और मैं आपके सामने एकदम सिंपल और टेस्टी रेसिपी लाने का कोशिश करती हूँ। ऐसा रेसिपी लेकर के आऊँ कि आपके बच्चे को पसंद है। आज भी वैसा ही लेकर के आई हूँ मैं, शायद आपको पसंद आएगा। एक बार देखिए और कैसा होता है। पनीर टिक्का टोस्ट बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, पनीर टिक्का टोस्ट। तो जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पनीर टिक्का बनेगा, ठीक है? तो पनीर टिक्का के लिए मैरिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैरिनेशन के लिए अभी सबसे पहले दही चाहिए, तो अमूल का दही मैं ले रही हूँ। वन फोर्थ कप अमूल का दही ले रही हूँ। ये क्या है, थिक होता है दही, या फिर थिक दही कोई सा भी ले सकते हैं। ये देखिए अमूल, इसलिए तो अमूल है, कितना थिक है। या फिर हंकड़ ले लीजिए। यहाँ पर 1/4 कप मैं कर्ड ले रही हूँ। इसमें अब वन एंड हाफ टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून नमक, सॉरी मिर्ची जाएगा। मेरे घर पे मिर्ची है, मैं तो कश्मीरी मिर्च और ये तीखा वाला दोनों मिक्स करके ये पिसवाती हूँ। तो ये गया, लेकिन यहाँ पर आप कश्मीरी मिर्च अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप कश्मीरी मिर्च यूज करिएगा। और इसमें कलर भी जाएगा, बुश कंपनी का रेड येलो ऑरेंज कलर होता है, रेड ऑरेंज कलर होता है बुश कंपनी का, तो वो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कलर स्किप कर रही हूँ, कलर मैं नहीं यूज कर रही हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला जाएगा। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पैन में गरम होने के लिए रख देती हूँ। पैन के गरम होने के लिए तब तक ये क्या है ना कि मैरिनेट करके ना थोड़ा रखना पड़ता है, लेकिन अपने पास टाइम नहीं है, आप लोगों को दिखाना था। इसमें 100 ग्राम दही है, 100 ग्राम ये क्या बोलते पनीर है, इसको अच्छे से इसको थोड़ा देर रख दीजिएगा और कलर डाल दीजिएगा, तो एकदम जैसे बाजार में होता है ना वैसा हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें ना 1 चम्मच ऐसे सरसों का तेल भी डाल दीजिए। हेलो श्रेया,
एक बार चेक कर लो बेटा, हाई हेलो हो रहा है, कौन कर रहा है, मैं पढ़ नहीं पाई। ठीक है मधु चावला बोल रही है। हेलो हेलो मधु जी, कहाँ से आप मधु जी? अभी गरम हो गया है, पैन गरम हो गया है, इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालती हूँ। लेकिन जब भी आप घर में बनाइए ना तो प्लीज इसको आप मैरिनेट करके थोड़ा देर रखिए। जैसे ही पैन ये गर्म हो गया पैन, अब इसमें ये कौन सा तो अपना बात कर लूंगा, नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो बात कर लूँ ला लगा के, देखो मैं बात कर लेती हूँ। और ये तब तक पकाना है जब तक ये दही पूरा, दही का पानी पूरा सूख नहीं जाए। यहाँ पर हम लोग को दही का पानी सुखाना है। जब तक ये पानी सूखता है तब तक हम लोग क्या करते हैं कि जैसे नाम से आपको पता है ब्रेड टिक्का टोस्ट नाम से, तो नाम के अनुसार ही हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो मैं 4 स्लाइस की ब्रेड ले लेती हूँ। इसको किनारे को काट लेती हूँ पहले। आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं यहाँ पर। अभी तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इसको फेंकने का जरूरत नहीं है, ये बहुत जगह काम आ जाता है इसलिए सबको पता है। यहाँ पर मैं एक पिज्जा बनाने का जो प्लेट है वो ली हूँ और इस पर मैं थोड़ा सा तेल लगा दी कि चिपके नहीं, और ये ब्रेड ऐसे रख दिए। ठीक है इसको हटा देती हूँ यहाँ से। अभी इस पर मैं लगा दूंगी पिज्जा सॉस, ये मेरा पिज्जा सॉस है।
ओके मधु जी देहरादून से, है ना। इसमें लगा दी पिज्जा, पिज्जा सॉस लग गया। अब ये सब तक ये होता है, तब तक आगे का काम कर लेते हैं। इसमें अमूल का चीज है, ये प्रोसेस चीज है, या तो छोटी छोटी जो आती है ना यूज वाली, वो भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे यहाँ तो चीज का ज्यादा खत्म होता है ना, एक्चुअली पिज्जा ऑर्डर पे जाता है मेरा, तो चीज का बहुत ज्यादा खत्म होता है, इसलिए मेरी चीज मेरे पास हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये अमूल का चीज है, ये इस पे तो यहाँ पर चीज ये बनाइए, बच्चे आपके बहुत खुश हो जाएंगे, आपको भी पसंद आएगा। यहाँ पर इसका पानी है, दही का पानी सूख गया है, इसको थोड़ा अच्छे से यहाँ पर ये दही का पानी में सूख गया है, सॉफ्ट करती हूँ मैं। और ओवन को मैं प्रीहीट करने के लिए रख दी हूँ। अब है एक एक उठा करके मैं इस पर रखती हूँ। अगर कोई गेस्ट को खिलाना है आपको, इसमें थोड़ा सा कलर यूज कर लीजिए, घर में खाना हो क्या होता है ना, आंख से अच्छा लगता है दिखने में, आंखों को अच्छा लगता है, लेकिन हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं होता ना, इसलिए मैं कलर कम ही यूज करती हूँ। अब इसमें अनियन है और कैप्सिकम है, थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, अच्छा लगेगा। इसमें अंजन भी डाल देती हूँ,
अब इसमें डाल देती हूँ प्रोसेस चीज। प्रोसेस चीज तो हो गया, चीज है ना वो अमूल का, ये मैं डाल देती हूँ। अब ये जाएगा प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री पर 10 मिनट जाएगा, ये जल जाएगा ना थोड़ा सा। ये ये 200 डिग्री पर 10 मिनट के लिए गया है। अभी अभी ऊपर से डेकोरेशन के लिए मैं मेयोनीज का यूज करूंगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं मेयोनीज दूंगी, या तो उसको 10 मिनट रखिए या फिर जब तक चीज को मेल्ट होना चाहिए। चीज मेल्ट हो जाएगा तो भी वो हो जाएगा। थोड़ा सा मैं लेकर के मैं तो अच्छा लगेगा, बच्चे लोग को भी पसंद आएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैं मेयोनीज यूज कर रही हूँ। ब्रेड का तो कितना आइटम बनता है, बहुत सारा आइटम बनता है। एक ना ब्रेड को ऐसे मैं बताती हूँ, इसको किनारे को काट दीजिए, उसको बेल दीजिए, बेलने के बाद आलू का मसाला होता है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ एक करके, वो भी बहुत मस्त लगता है। होल वाली ब्रेड एक दिखाती हूँ मैं करके आपको, तो इसे ब्रेड को ये थोड़ा सा ना पुराना हो गया ब्रेड, मतलब फ्रेश ब्रेड हो ना तो उसका बहुत अच्छा होता है। आलू का मसाला होता है ना, इसमें पहले सॉस लगा दीजिए,
हरी चटनी हो तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं, वो तो आपका टेस्ट के अनुसार आपको जो करना है कर सकते हैं। इसके बाद आलू का मसाला है, ये थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। ब्रेड का लेकिन कुछ भी आइटम आप बनाइए सारे अच्छे लगते हैं, ब्रेड में ऐसा खूबी है। मीठा बनाइए, नमकीन बनाइए, कुछ भी बनाइए ब्रेड का सारे अच्छे लगते हैं। ब्रेड यहाँ पर फ्रेश लेना है, देखिए मैं टूट रहा है, ये तो टूट रहा है। ये टूट रहा है, ब्रेड ना फ्रेश लेने का है। और फिर क्या करना है, इस लरी बना करके मैदे का उसमें डिप कर करके इसको बीच से काटते हुए कर देते हैं। इस लरी में डिप कर दीजिए, एक पनीर का जो पीस है यहाँ पे ये ऐसे रख दीजिए, ये भी मैं बेक करके इस लरी बना पड़ी। चलिए इसका तैयारी नहीं था, जब तक वो हो रहा है तब तक मैं बोली ये कर देते हैं। और इसमें चीज है लहसुन, थोड़ी थोड़ी चीज डाल करके चीज डाल करके उसके बाद ना बेक कर लीजिए, ये भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इसमें थोड़ा सा मेरा यही प्रॉब्लम है कि ब्रेड है सो पुराना है मेरा, मतलब 2 दिन हो गया ब्रेड आए हुए और ये स्लरी नहीं बना हुआ है, तो मैं ये करके दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और इसको छोटा छोटा करिए तो एक ब्रेड का 3 पीस कर लीजिए तो बाइट की जैसा हो जाता है, फिर बहुत अच्छा लगता है वो भी, मतलब बेक होने के बाद बहुत सुंदर लगता है। चलिए तो टोस्ट रेडी हो गया है, इसको मैं निकालती हूँ। ये भी कड़क हो गया, ये भी कड़क हो गया है, ये थोड़ा सा कलर होता है ना रेड रेड तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन घर में खाना है बच्चे को देना है तो क्या कलर यूज करूं इसमें। इसी तरह से टोमेटो सॉस का भी कर देती हूँ। ये क्या है, ये बनाए थे ना टाइम था हम दिखा रहे थे, अपना ब्रेड है रोल हो गया ना लाइव में। इसमें सॉस का भी कैसा लग रहा है,
से बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको देख करके? यम लग रहा है? ये पनीर टिक्का टोस्ट रेडी हो गया है, गरम है। ये देखिए दिख रहा है, अच्छा मस्त है ना, खाने में भी मस्त लगेगा और इजी है। आप बच्चे को सुबह में भी बना करके दे सकते हैं लंच में। ठीक है, अभी लाइव में समाप्त करती हूँ और अपना कीमती समय मेरे इस रेसिपी को देखने में दिए हैं, थैंक यू करती हूँ। अगेन मैं दीपा जी को थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अपॉर्चुनिटी दिया है। भिजवा दो, मधु चावला बोल रही हूँ। क्या? मधु चावला बोल रही, भिजवा दो। आप आ जाओ बड़ौदा, गुजरात आ जाओ। मधु चावला तो वहाँ है ना, देहरादून में। आप आ जाइए, इसी बहाने गुजरात भी घूमना हो जाएगा और मेरे हाथ का पिज्जा तो आप मेरे हाथ का खाइएगा फिर। ये तो पिज्जा नहीं, ये तो बस ऐसे टोस्ट बनाई मैं, बच्चे को खिलाइए बना करके। और पास में होता मधु जी तो मैं पक्का भिजवा देती। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बाय।